अगर आप अपनी तत्काल की टिकट को बुक करने के लिए यहाँ पे एक बढ़िया बेहतरीन एप्लीकेशन की तलाश में हैं, तो आपने बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से एप्लीकेशन से अपनी तत्काल की टिकट को बुक करेंगे तो वो जल्दी और बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही पैरामीटर का यूज़ करने वाला हूँ। सबसे जो पहला हमारा पैरामीटर है, आपकी जो टिकट है सस्ती बुक होनी चाहिए, और दूसरा जो हमारा पैरामीटर है, आपकी जो टिकट है वो वेटिंग में नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म बुक हो जानी चाहिए। तो इन दोनों ही पैरामीटर पे जो भी एप्लीकेशन खरा उतरेगा वही होगा आपकी तत्काल की टिकट को बुक करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन। आइए चलिए बिना किसी देरी किए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में बिल्कुल हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ये समझेंगे कि आखिर रेलवे का कौन सा एप्लीकेशन ऑफिशियल है और किसमें टिकट सस्ती बुक होती है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, रेलवे की टिकट बुकिंग के लिए जितने भी एप्लीकेशन आपने सुना होगा, जैसे कन्फर्म टिकट ऐप हो गया, एग्जीगो ऐप हो गया, यहाँ पे पेटीएम हो गया, या फिर ट्रेन मैन एप्लीकेशन हो गया, आपने जितने भी एप्लीकेशन को सुन करके रखा है, ये सारे रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। और रेलवे का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो कि IRCTC रेल कनेक्ट नाम से है, यही रेलवे का मेन ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन आपने सुन रखे होंगे, जैसे अमेजोन, पेटीएम, एग्जीगो हो गया, कन्फर्म टिकट ऐप हो गया, जितने भी लाइन लगी पड़ी है, ये सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं। IRCTC रेल कनेक्ट का जो एप्लीकेशन है यही रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। अभी हम लोग इसी में ये भी समझने वाले हैं कि किस में टिकट सस्ती बुक होती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, IRCTC रेल कनेक्ट और अमेजोन, इन दोनों पे आपको जो प्राइसिंग है बिल्कुल सेम मिलेगी। इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म बच जाते हैं, जैसे एग्जीगो हो गया, कन्फर्म टिकट ऐप हो गया, ट्रेन मैन ऐप हो गया, जितने भी सारे एप्लीकेशन हैं, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, कन्वीनियंस फीस के नाम पे, प्लेटफॉर्म फी के नाम पे। यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक चार्ज बता के आपसे अलग से यहाँ पे पैसा ये लोग ले लेते हैं। जब भी आप प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे तो आपको अमेजोन और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे जो प्राइस मिलेगी, इन सारे एप्लीकेशन पे जब जाएंगे अपने टिकट को बुक करने, तो वहाँ पे जरूर आपको 20 से लेकर 50-60 रुपये तक का डिफरेंस आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो जो सबसे सस्ती टिकट की बुकिंग है अमेजोन पे मिल जाएगी या फिर IRCTC के रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। मैं आपको इन दोनों ही एप्लीकेशन का प्रीफर करूंगा क्योंकि इसमें जो है आपकी टिकट जो है वो सस्ती बुक होंगी। अभी हम लोग समझते हैं बिल्कुल अपने मेन पॉइंट के ऊपर में कि आखिर कौन सा एप्लीकेशन से आपकी जो टिकट है बिल्कुल फास्ट बुक होती है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि IRCTC का जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है यही रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन हो गए, जैसे आपने मैंने बताया था कि एग्जीगो हो गया, कन्फर्म टिकट ऐप हो गया, अमेजोन को भी मैंने इंक्लूड किया था, ये सारे बिल्कुल एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। अमेजोन पर सिर्फ और सिर्फ चार्जेस आपके कम लगते हैं, बाकी ये भी थर्ड पार्टी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन दोस्तों अभी हमारा जो मेन मोटो है वो ये कि आखिर किस में जो टिकट्स हैं बिल्कुल जल्दी से बुक हो जाएंगी। तो दोस्तों जितने भी ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इनका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे कि तत्काल की टिकट जब हम लोग बुक करते हैं तो AC के लिए जो टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे होती है, और स्लीपर की क्लास के लिए जो टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे होती है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे एक स्लीपर की क्लास का टिकट बुक करना है तो मेरी जो टाइमिंग होगी वो 11 बजे होगी। तो अगर मैं रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आता हूँ बुक करने, यानी कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे मैं आता हूँ, तो मैं बिल्कुल 11 बजे ही लॉगिन करके अपनी टिकट को बुक कर सकता हूँ। लेकिन IRCTC रेल कनेक्ट के अलावा जितने सारे एप्लीकेशन हैं जिनका लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गिनवाई थी, इन पर अगर आप 11 बजे बुकिंग करने आएंगे तो वहाँ पर आप बुकिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन सारे एप्लीकेशन में जो लॉगिन का टाइमिंग होता है 11:15 होता है, यानी कि 15 मिनट बाद आपको इस एप्लीकेशन में ये लोग आने देंगे। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप AC की क्लास की बुकिंग करने जा रहे हैं तो बुकिंग 10 बजे चालू हो जाएगी, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको 10:15 पर एंट्री देगा। ऐसे ही आपके स्लीपर के क्लास के लिए भी 11 बजे बुकिंग शुरू होगी, तो ये लोग आपको 11:15 पर आने देंगे। तो 15 मिनट पर दुनिया कहाँ की कहाँ चली जाती है, कहने का मतलब ये कि 15 मिनट में बहुत सारी टिकट ऑलरेडी सेल हो जाएंगी, तो आपको वहाँ पे तत्काल की टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं बिल्कुल लास्ट में कि कौन है सबसे ज़्यादा किंग, किस एप्लीकेशन से आपको टिकट बुक करनी चाहिए, हालांकि आप समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ और सिर्फ दो ही एप्लीकेशन को यूज़ करने को। सबसे जो पहला एप्लीकेशन मैं आपको बताऊँगा जो कि 2 नंबर पर मेरी लिस्ट में आता है वो है अमेजोन। अगर आपको टिकट बुकिंग की जल्दी बहुत नहीं है, आपका जो रूट है वो बिजी वाला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रूट है, और अगर आपको अमेजोन पे कैशबैक वगैरह मिल रहा है तो आप अमेजोन के थ्रू अपनी टिकट को बुक कर लीजिए, टिकट की जो प्राइसिंग होगी वो सस्ती भी रहेगी
और वहाँ पे आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप जितना ही आपको वहाँ पे चार्ज लगाया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं मेरिट में जो सबसे नंबर वन पे एप्लीकेशन आता है, ये है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, जो कि रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आपको अपनी टिकट की बुकिंग इसी से करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही तत्काल की टिकट की बुकिंग शुरू होती है IRCTC के एप्लीकेशन में तुरंत से आप इसमें लॉग इन करके अपनी तत्काल की टिकट को निकाल सकते हैं। इससे आपकी जो तत्काल की टिकट है बिल्कुल जल्दी बुक हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको बिल्कुल A to Z सारा सीनेरियो क्लियर कर दिया, और आपको सारे डाउट अगर आप क्लियर हो गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ऐसी नॉलेज वीडियो लेके मैं आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैप्पी जर्नी एंड बाय।